एक साल देखने के बाद मुझे पता चल गया है कि हम किसके माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। अरे ये तो टेक्नो गेमर है। हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माइनक्राफ्ट की दुनिया में। आज आप लोग मेरे को ये बताओ कि आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर कौन है, मीट पैट, बीस्ट बॉय सूप, टेक्नो गेमर या विलेन? भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आज मैं आप लोगों से आपका फेवरेट यूट्यूबर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज मैं एक ऐसा मशीन बनाने वाला हूँ जिससे मैं यूट्यूबर्स के माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। मतलब कुछ भी? ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो कि नासा वाले भी पता नहीं कर सकते। अच्छा। वो मशीन बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए थी वो सब मैं लेके आ गया हूँ। सबसे पहले ये ओक स्लैब यहाँ लगाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इतना होने के बाद यहाँ पर एक सीट बनाना है और लगा देना है यहाँ पर एक लीवर। गाइज मेरा मशीन बन गया है, अब ये लीवर दबाते ही मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। मैं कहाँ आ गया? यहाँ पर नेदर पोर्टल और घर है, उधर जाके देखता हूँ। ओह ये देखो, यहाँ पर कोई आदमी भी खड़ा हुआ है। वो कोई आदमी नहीं, कोई यूट्यूबर लगता है। जल्दी से जाके उससे मिलता हूँ। ओह मेरे को उस यूट्यूबर से मिलने की इतनी जल्दी कि मैं सीधा पहाड़ से ही कूद गया। ओह ये तो मीट पैट है। हेलो मीट पैट भैया। हेलो दोस्तों, शादी की बहुत बहुत बधाई। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे साथ एक सेल्फी ले लो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? बस एक सेल्फी की तो बात है। हाँ चलो, मीत पेट भैया को मैंने एक पार्ले जी का लालच देके सेल्फी के लिए मना लिया है। फाइनली मेरे को एक सेल्फी मिल गया है मीत पेट भैया के साथ। अब मैं तुम लोगों को उनका घर दिखाता हूँ। ये है मीत पेट का आलीशान सा घर। ये गेट खोलते ही सामने में ही तुम लोगों को खजाना दिख जाएगा। इस चेस्ट में 80,000 के जूते रखे हुए हैं। ये मुझे नहीं छूना चाहिए वरना मीत पेट मुझे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। यहाँ से ऊपर एक सीढ़ी गया हुआ है, लगता है असली खजाना ऊपर है। ओ ये बालकनी है। मीत पेट भैया कहाँ है? नर्क में तो नहीं चले गए? नहीं यार, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, वो नर्क में नहीं जाते। ये रहे, देखो मैंने बोला था ना, वो बहुत अच्छे आदमी है, वो नर्क में नहीं जाते। चलो बाय, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे दूसरे यूट्यूबर्स के वर्ल्ड में भी जाना है। ओके मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। इस बार मैं किस यूट्यूबर के वर्ल्ड में आया हूँ आगे जाके देखना पड़ेगा। आगे गाय है, घर है और यहाँ पर बहुत बड़ी चीपू की स्टैचू है। इसका मतलब समझे दया? मैं आ गया हूँ बीट बॉय सूप के माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। सुकून का नाम सुना है? ये रहे हमारे बीट बॉय सूप के सभी पेट्स। यहाँ पर बिल्लियाँ भी हैं। ये है स्नो वाइट, ये है लाडो रानी। ओ लाडो रानी। और ये रहा हमारा गुगलू। हेलो गुगलू, मेरे को तुमसे बहुत दिन से मिलना था, फाइनली आज मैं मिल भी लिया। ओके तुम लोग इंजॉय करो, मैं हम सब के फेवरेट बीस्ट बॉय सूप से मिल के आता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये है हमारे बीस्ट बॉय सूप का आलीशान सा घर। इस गेट का बटन कहाँ है? अच्छा ये रहा बटन, दरवाजा खुल गया, जल्दी से मैं अंदर घुस जाता हूँ। ओके मैं अंदर आ गया हूँ। हेलो बीस्ट बॉय सूप भैया, आप अंदर हो? हेलो, मैं आपसे मिलने आया हूँ। यहाँ पर चेस्ट रखे हुए हैं, मेरे डर से बीस्ट बॉय भैया इस चेस्ट में थोड़ी ना घुस गए। औकात में रहो। नहीं नहीं, इसे चुराने की सोचना भी मत वरना बीस्ट बॉय सूप मुझे डंडे से मारेंगे। अगर बीस्ट बॉय सूप को आप डंडा प्रोवाइड करोगे तो वो एक तरह से इनविंसिबल बन जाता है। यहाँ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। नीचे में क्या है? ओ एक और चेस्ट, लगता है इसमें बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। ओ नेदरराइट की चीजें हैं इसमें। बीस्ट बॉय सूप गए तो गए। ओहो ये क्या हो रहा है, एक सिप दूसरे सिप को मार रहा है। मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, तूने अभी इसे मारा है। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। अब इसके अंदर जाके देखता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 18+। मैं तो 18 का हो चुका हूँ, मेरे को इसके अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब मुझे घूर के क्यों देख रहे हैं? ऐसे मत देखो, मुझे डर लग रहा है। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? हेलो कोई मुझे ये बता सकते हैं कि बीस्ट बॉय सूप कहाँ है? मैंने बीस्ट बॉय सूप का पूरा घर छान मारा, बाहर में भी ढूंढा, सभी लोगों से भी पूछ लिया पर मुझे बीस्ट बॉय सूप नहीं मिले। पर कोई बात नहीं, अब तो यहाँ आना जाना होता रहेगा। अब चलते हैं दूसरे यूट्यूबर के पास, लेट्स गो। ओके मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूजियम और इस साइड में लिखा हुआ है जू। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं किसके वर्ल्ड में आ गया हूँ। सबसे पहले म्यूजियम में जाके देखता हूँ। ये है वो म्यूजियम, इसके अंदर जाता हूँ। ये क्या था भाई, मेरे मुंह पे आ गया अचानक से। खैर छोड़ो, सबसे पहले देखता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें रखी हुई है। ओ ये तो कोई आदमखोर ज़ॉम्बी लगता है। यहाँ पर है एक स्केलेटन। ये देखो यहाँ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। मैं यहाँ से नीचे जाके देखता हूँ।
ओ भाई साहब ये देखो, ये तो एक घास्ट है। किसी ने यहाँ पर घास्ट को बंद करके रखा हुआ है। चाचा ये सबेरे क्या मेरे को यही देखने का? मैंने पूरा म्यूजियम देख लिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ जू में। हाँ हाँ अब चलो देखते हैं कि जू में कौन कौन से जानवर रखे हुए हैं। ये खाली है, ये भी खाली है, इस साइड भी खाली है। अरे भाई ये तो पूरा जू खाली है। एक मिनट, यहाँ पर चिकन है, यहाँ पर गधे हैं और यहाँ पर गाय है। अब जानवर दिखने शुरू हुए। और ये देखो यहाँ पर कछुए हैं। ओ माय गॉड ये देखो यहाँ जेबरा भी है। नहीं ये जेबरा नहीं है, ये तो हड्डी वाले घोड़े हैं। अजीब जानवर है। ये देखो यहाँ पर एक सफेद घोड़ा भी है। मैंने पूरा जू देख लिया है, यहाँ बहुत सारे जानवर है। पर यहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ वरना मुझे जानवर समझ के मुझे भी अंदर बंद कर देंगे। जब बेइज्जती है। ओके मैं जू से बाहर आ गया हूँ ये ट्री हाउस के पास में। अब यहाँ से थोड़ा सा और घूमता हूँ और देखता हूँ कि और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। A few moments later. यहाँ एक एंट्रेंस है, मेरे को लगता है यहाँ जाने के बाद मुझे पता चली जाएगा कि ये किसका वर्ल्ड है। ओ भाई यहाँ तो एक कैसल है। समझ रहे हो? ये कैसल देखने के बाद मुझे पता चल गया है कि हम किसके माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में हैं। ये कैसल है टेक्नो गेमर्स का। अब टेक्नो गेमर्स के कैसल में आ ही गए हैं तो अब टेक्नो गेमर्स से मिल के ही जाएंगे। तो चलो ढूंढते हैं टेक्नो गेमर्स कहाँ है। यहाँ से एक गेट है, इसके अंदर जाता हूँ। क्या टेक्नो गेमर्स आप यहाँ हो? ये देखो यहाँ पर फ्लोर के डिजाइन को तो देखो कितना ज्यादा बढ़िया बनाया है उन्होंने। यहाँ पर राजा की तरह बैठने के लिए उन्होंने एक जगह भी बनाई हुई है। अच्छा यहाँ पर एक सीढ़ी है जो कि तहखाने में जाती है। तहखाने में जाके देखता हूँ कि आखिर क्या खजाना छुपा रखा है टेक्नो गेमर्स ने। यहाँ पर बहुत सारे चेस्ट है लेकिन तहखाना बहुत बड़ा बनाया है टेक्नो गेमर्स भैया ने। इस साइड में बहुत सारे बेड है और सामने में मेरे को दो ठोक चेस्ट भी दिख रहे हैं। इस चेस्ट में देखता हूँ कि इसमें क्या है। ओ नेदरराइट की चीजें रखी हुई है बहुत सारा। इस चेस्ट में क्या है? ओ माय गॉड इतने सारे डायमंड। टेक्नो गेमर्स ने अपना असली खजाना यहाँ छुपा रखा है। एक आइडिया। इस चेस्ट में बहुत सारे डायमंड थे, उसमें से थोड़े डायमंड्स मैंने ले लिए तो टेक्नो गेमर्स को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने डायमंड्स लिए हैं। समुद्र से थोड़ा सा पानी निकाल लेने से किसको पता चलता है कि मैंने समुद्र से पानी निकाला है। शर्म करो भगवान से डरो भोस। इससे पहले कि यहाँ पर टेक्नो गेमर्स आ जाए मेरे को जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अरे ये तो टेक्नो गेमर्स है। हेलो उज्जवल भाई, ये डायमंड्स मैं अपने घर से आपको गिफ्ट देने के लिए लाया था। शर्म आया है? अभी आप गुस्से में लग रहे हो, मैं बाद में आके आपको डायमंड्स गिफ्ट देता हूँ। भागो रे। तेरे हानी होने एतबार सोनी।